कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, मैं जितना दरख्वास्त करती हूँ उनसे ये चुप है। सिर्फ मेरे चचा नहीं बल्कि बलूचिस्तान में कई हादसे हो चुके हैं, कई मिसिंग पर्सन से कई शहीद हैं हमारे बलूचिस्तान में, लेकिन मैं इस वक्त कराची प्रेस क्लब के सामने मामा कदी के कैंप में बैठी थी, जो कैंप पिछले 12 सालों से लगी हुई है। गर्मियों में सर्दियों में ये कैंप हर हमेशा चलता है, लेकिन इस कैंप से हमें आज तक कोई फ़ायदा नहीं आया है। ना कि हमारे लोग आए इनसे, मामा कदीर जो क्वेटा से कराची में कराची इस्लामाबाद पहले मार्च कर चुके हैं इन मिसिंग पर्सन के लिए, लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हमें ये तक नहीं बताया कि हमारे लोग कहाँ हैं, हमारे लोग किस हालत में हैं। मेरी चाचू को दुबई अरब इमारात से गिरफ्तार करके और लापता कर दिया गया, ताहल लापता है मेरी चाचू। मैं कराची प्रेस क्लब के सामने आती हूँ, यही दरख्वास्त करके वापस चली जाती हूँ, लेकिन मुझे कहीं से भी साफ नहीं दी जाती है। करीमा बलोच जिनको कनाडा में, वो एक बलोच थी, बलोच एक्टिविस्ट थी, उसका बस यही गुनाह था, वो एक औरत थी, आपने औरत पे हाथ उठाया, आपने औरत को शहीद किया। हमें इस बात पे कितना अफसोस है कि आप कहते हो चलो आप हमारे आदमियों को मारते हो, हमारे आदमियों को गुनाह करते, लेकिन आप हमारे औरतों को भी नहीं छोड़ते। हमारे औरतों का यही कसूर है कि आप उनके भाइयों को उठा के लेकर जाते हो, अपने भाइयों की आवाज़ बनते हैं। तो मैं यही दरख्वास्त करती हूँ कि आप हमारे भाइयों को लेकर आए, तो हम भी ऐसे रोडों पे नहीं निकलेंगे। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बूढ़े वालदे हैं, जो मामा कदीर है कई सालों से बैठ चुका है, लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा। मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप हमारा